दिया, तो आप लोगों को आ चुका होगा कि ये कहानी एक पेशेंट और एक नर्स, एक पेशेंट और एक नर्स की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे हम प्यार को नहीं चुनते हैं, प्यार हमें चुनता है होने के लिए, तो ठीक इसी तरह से शायद प्यार ने इन दोनों को चुना है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नियति किस तरह से उसका सामना करती है और किस तरह से अभिमन्यु की ज़िंदगी में जो एक उतार चढ़ाव आता है कि इसे ये दिमागी प्रॉब्लम कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो उसका साथ चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ सकती, जैसा उन्होंने अभी प्रॉमिस किया सबके सामने, तो हम भी साथ छोड़ने नहीं देंगे। बोलते हैं ना, जो दो लोग होते हैं उनकी जो तकदीर होती है वो बहुत कुछ उनकी तकदीर में ऑलरेडी लिखा होता है, तो आप अपनी तकदीर से तो अभी नहीं जा सकते, जो तकदीर ने आपके लिए फैसला कर रखा है उससे तो आप अभी जा नहीं सकते। तो ये दोनों भी अनजान हैं, एक ऐसे रिश्ते में दोनों आते हैं जहाँ से इनकी कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। पहले पेशेंट और नर्स की कहानी होती है, फिर किस तरह से वो पति पत्नी में तब्दील होती है, और जब वो ये जानते हुए भी, नियति के जो एक वो है कि वो जानते हुए भी कि अभिमन्यु एक दिमागी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने प्यार का, अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है, और उसके साथ साथ उसको इस जर्नी में कैसे ये बात पता चलती जाती है कि इस दिमागी प्रॉब्लम होने के पीछे, जो अभिमन्यु के साथ हुआ है, उसके पीछे भी एक कोई कहानी है जिसको वो बेसिकली अनफोल्ड करती है आगे की जर्नी में। तो यही है दो लोगों की प्यार की कहानी, जो थोड़े से बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है, कुछ किस्मत कनेक्शंस हैं और बहुत सारा प्यार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ पसंद आएगी, ये कहानी पसंद आएगी, और जैसा कि अनुज ने कहा कि थोड़ा सा लुक एंड फील या जो ट्रीटमेंट है या जिस तरह से हम इस शो को प्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली थोड़ा सा नॉट इन दैट टिपिकल सास बहू वाले जोन में नहीं है शो, थोड़ा सा एक लव स्टोरी है प्रॉपर तरीके की, और मतलब एक प्रेम कहानी है। मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि कितने अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम, जी की टीम, हम सब, जतिन, पीयूष, हम सब ये कोशिश कर रहे हैं एक्टर्स कि इसको अच्छी तरीके से आप लोग तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू। बिफोर योर लीव, इसके तुरंत बाद हम क्यू एन ए में घुसेंगे, सो उसके जस्ट पहले एक क्विक ग्लिम्स ऑफ द शो फॉर यू, सो दैट यू गेट अ होल कॉन्टेक्स्ट कि शो क्या है, कैसे है। सो इफ यू कैन प्लीज हैव, नहीं, इफ यू, इट्स गोना प्ले आउट ऑन द स्क्रीन, सो आई थिंक मैं कर, नहीं नहीं सर, गाइस कैन वी हैव हेल्प, कभी ऐसा लग रहा है अचानक बदला के मौसम में जिंदगी में होने वाले खूबसूरत बदलाव का इशारा कर रहा है। अकेली हो गई तो रॉक क्यों, क्योंकि तेरे वजह से ना चार लोगों की नौकरी जो जाने वाली है। हॉस्पिटल के कुछ रूल्स पता है कि नहीं? हॉस्पिटल के रूल्स हमारे पेशेंट की खुशी से बढ़कर नहीं। उन पेशेंट्स के ना अपनी अपनी फैमिली है भाई, जब उन्हें केयर नहीं है तो तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? छोटी छोटी खुशियाँ ना बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाती हैं, और नर्स की तो जॉब ही यही होती है, अपने पेशेंट के मन में उम्मीदें जगाना। शायद यही फर्क है डॉक्टर्स और नर्सेस में, डॉक्टर्स बीमारी को समझते हैं और नर्सेस पेशेंट्स को। पर ये बात उस अकाउंटेंट का हरू सनम को कौन समझाएगा? सारा बकबक बनकर और चुपचाप चल चल। शादी नहीं करवानी है। तो किसी दिन नियति ने आपसे पूछ लिया कि उसके पिता उसकी शादी क्यों नहीं करवा रहे?
ओलंपिक्स की तैयारियां चल रही हैं, पर वो तो खत्म हो गए। ओलंपिक्स में? ये सारा कर्तव्य दिखाना तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है, राइट? मेरी छतरी पेड़ में टक गई है। ये अम्ब्रेला है ना, मतलब सिंड्रेला की सैंडल तो नहीं है जिसके बिना तुम घर नहीं जा सकती हो? वो स्पेशल अम्ब्रेला है क्योंकि मेरे पापा ने दी है, और मेरे पापा की दी हुई हर चीज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रही तुम्हारी प्रेशियस छतरी। अब मैं कर रही हूँ क्यों? किस्मत कनेक्शन? मतलब हम मिलते नहीं, नियति हमें मिलवाती है। इस लड़के को देखा है क्या? नहीं, कब तक माँ से भागेगा? आज के बाद इस अभिमन्यु का नाम तुम्हारे मुझसे सुनाई नहीं देना चाहिए। हाँ मम्मी, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर आनंद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बचपन से तुम उसे जानती हो और शायद वो तुम्हें पसंद भी करता है। तो शादी की बात करूँ क्या? थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ वी मूव। ये शो को क्यों हाँ बोला, क्या एक चीज एट्रैक्ट किया कैरेक्टर को लेकर? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मैं बताना चाहती हूँ अगर तुम ना होते के बारे में, कि इट्स अ रोमांटिक, ऑफ कोर्स इट्स अ रोमांटिक स्टोरी, इट्स अ रोमांटिक सागा, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटेंस ड्रामा इन इट। एंड जो सबसे खूबसूरत बात है शो के बारे में, दैट कभी भी कोई भी रिलेशनशिप होता है, सो यू नो देयर इज दिस वन पर्सन आउट ऑफ द टू हु डज नॉट गिव अप, जो सामने वाले को मोटिवेट करता है, तो कहता है कि हाँ यू नो आप अपने आप पे भी भरोसा रखो, आप मुझ पे भी भरोसा रखो, एंड दैट्स हाउ द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। सो वी हैव ब्यूटिफुली शोन दिस डायनामिक इन द शो। एंड ऑल्सो आई फील दैट नर्स और पेशेंट की एक स्टोरी कभी भी टीवी पे इससे पहले एक्सप्लोर नहीं की है, सो इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड बाय एवरीबडी हुज द होल टीम, दे पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स, महेश सर, जतिन सर, पीयूष सर, सो एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स नॉट बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर, सो दिस इज गोइंग टू बी न्यू, इट्स गोइंग टू बी नॉवल, एंड आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो फॉर ऑल द ऑडियंसेस। थैंक यू। हिमांशु जी आपके सामने, गुड टू सी यू, ठीक सामने आपके। हाँ। अब तक हमने आपको माइथोलॉजिकल शो में देखा, नाउ दूर बैठे हैं हम तो यार। हाय। हाँ। अब हम आपको यहाँ इंटेंस में देखेंगे, थोड़ा इंटेंस लव स्टोरी देखेंगे, तो कितना डिफरेंट रहता है एक किरदार से बाहर आके नाउ इस तरह के किरदार में अपने आप को प्रिपेयर करना, है कितना कैसा रहा आपके लिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि किरदार कोई भी हो वो डिफिकल्टी होता है, चाहे वो आपने बोला कि मैंने बहुत सारे माइथो शोज़ किए हैं, हिस्टोरिकल शोज़ किए हैं, बट जो ये शो है अगर तुम ना होते, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं कैरेक्टर को जो चाहिए होती है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर नहीं है इतना बेंटरिश नहीं हूँ मैं, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक अपनी लाइफ में वैसे हूँ, बट किसी से भी मैं इतना नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, मतलब डायरेक्ट जा कर के मैं बात करूँ बस, बट इस शो के अंदर मैं किसी से भी, चाहे वो नियति हो, चाहे हमने किसी, अगर जैसे जूनियर आर्टिस्ट भी बहुत सारे काम करते हैं उनका भी अगर कोई कैरेक्टर है, तो ये जो लड़का है अभिमन्यु, ये ऐसा है कि ये सबसे बहुत कामली हंसते हुए हंसाते हुए बात करता है, तो वो चीज़ मेरे को अपने अंदर डालनी थी। बाकी जो शो लिखा है
प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तीनों जने यहाँ बैठे हैं, पीयूष जी, जतिन और महेश भाई। तो महेश भाई से बहुत सारा नरेशन मैंने लिया कि किस तरीके का ये कैरेक्टर होना चाहिए और आप क्या देख रहे हो, स्विचओवर्स क्या होने चाहिए इसके, वो कैसे बदलेगा, क्योंकि एक ही इमोशन में वो नहीं बदलता है। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन उसे जब हर्ट करता है तो वो किसी भी सिचुएशन में जा सकता है, वो एंगर भी हो सकता है, इमोशनली हर्ट भी हो सकता है वो खुद। तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स है। तो ऑफकोर्स यार माइथोलॉजी में 25 किलो का सामान पहन के करना तो सभी पड़ता है, बट डिफ़िकल्ट उसमें मेरे को ये था कि वहाँ मेरे को बहुत सारा सामान पहन करके फिर एक्ट करना पड़ता था। इसमें मैं थोड़ा सा फ्री था तो मैं और ज़्यादा सोच पाया इस कैरेक्टर को कैसे निभाऊं, और उसमें मतलब 70-80% तो महेश भाई का योगदान है। उन्होंने लिखा ही ऐसा है कि पढ़ते ही समझ में आता है, अच्छा ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे होगा। तो बस थोड़ी सी बस यही सब यार, मेहनत है थोड़ी सी बाकी। तो हाय रूना हियर, मैं निर्माताओं से पूछना चाहती हूँ, गाना बहुत सुंदर बनाया है, ये नाम क्यों रखा गया और ये गाना गाया किसने है? तो ये टाइटल तो खैर ऑब्वियसली हम सब ने जैमिंग सेशन किया था, जयती हैं, प्रभजोत हैं, जतिन, पीयूष, हम सब ने किया था, तो उसमें से एक टाइटल निकल के आया था। पर गाने का पूरा क्रेडिट एक्चुअली तो जतिन को जाता है, क्योंकि जतिन ये गाना ले आया, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक लव स्टोरी बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सॉन्ग जो बेसिकली वो शो की पहचान बने। और ये गाने की रिकॉल वैल्यू इतनी बड़ी है, इतना बड़ा हिट सॉन्ग है वो, कि हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये गाना आप सुनिए प्लीज़, आप वो ऑन होगा और लोग एक्चुअली उसको इंजॉय करना शुरू कर देंगे, वो चाहे कोई भी जनरेशन हो, हमसे पहले वाली जनरेशन हो और हमसे आगे वाली जनरेशन के लिए ही हमने इसको री रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा उसको रीस्टाइल किया उस तरह से। एंड अल्तमाश आई थिंक सो ही इज़ द सिंगर बेसिकली जिन्होंने ये गाना गाया है।